सिवाय प्रोग्राम कैसे धोखा रहने वाला है। मैं बनारस के रहने वाला हूँ, मियां तालन चाचा के सिपाही। आपके नाम से यह मियां तालन चाचा पत्र दिए, इसे पढ़कर समझ लीजिए और बनारस में चलने के लिए तैयारी कीजिए। जाओ खाना खा कर तो वापस जाना। रनिवास जाओ, ये बंगला है रनिवास में खाना मिले। और क्या ऐसा है, अब बड़ा लेट हो गई, अब ढेर लेट हो गई बा, तो रनिवास में जाए आ खाना खाए और तब घर में जाए पहले रात हो जाए। 50 रुपया खुदरा बात है, क्या होगा रुपया? 50 रुपया में हमारा काम चल जाए। ये घड़ी दाम बढ़ गई बा, 5 रुपया के ले हम पकौड़ी। चिप जा करी तो करे में तनी चटनी वटनी मिला के मिला था। बोल 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 हो गई। 40 रुपया मिल जाए पाउच। हाँ ओरिजिनल एक मिला था, तब दुबलिए किट मिला था, मैंने पाउच। अगर 40 रुपया के जब पाउच हम मार लेते हैं तो गाउच बिक गए अपना घर में चल। दारू पीता है सर, दारू पीता है, चोरी। राजा राम यादव जी इस सीन पर खुश होकर एक और जगह पुस्काती है पूरे पार्टी की तरफ से लागू धन्यवाद राजा राम यादव जी को। सुबह नमस्कार जोड़िए अब चलिया तोरी हवा खुल के पतिया ये जोड़ी अब पतिया बताओ बताइए पत्र खोल कर चाचा जी मंगा मदुदा चले गए हैं, अपन बबुरी में शिकार खेलने के लिए गए हैं, क्या चीज लिखा हुआ है बताइए। जोड़ी घबराने कोई बात नहीं है जोड़ी, मैं पत्र पढ़ कर समझ लेता हूँ कि चाचा जी क्या लिखे क्या नहीं। क्या लिखिए चाचा जी? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, सही दस्तखत में ताला साहब को रोदर के मालूम कि मैं अपने पोते अजमत वालों के लिए गा काफूल तय कर दिया हूँ। काफूल और बारात जाने से मेरा 12 बेटा इनकार हो गया है। रोदर बेटे तुम पर भरोसा है, आज बंदे से आओ, बंदे से बड़ा साज कर काफू चले। जोड़ी हो अब जोड़ी के पतिया ये बाज रहे थे, आपको हाथों से पाती नीचे क्यों गिर गया? चोरी भवाने कोई बात नहीं है, हम पत्र पढ़ कर समझ लेते हैं। अरे सुनी सुनी जोड़िए अब चलिया तोनी हवा, अरे है तो चिट्ठी आए जोड़ी हवे चाचा सही। तो
जोड़ी तो चाचा जी अपने पोते को बरात लेकर जा रहे जोड़ी मतली के लगे जाल बरा बरतिया जोड़ी लोहार मान करोना जोड़ी काबुल के लोहा और काबुल की लड़ाई आपके बस के पास नहीं है जोड़ी मानी हमारे चल के बैठे तो चाचा जी अपने पोते को बरात लेकर जा रहे जोड़ी लेकिन एक बात है जोड़ी काबुल के लोहा और काबुल की लड़ाई आपके बस की बात नहीं है जोड़ी काबुल में जाएंगे तो आप जिंदा नहीं आएंगे मरा जाएंगे जोड़ी खोल रे घोड़ा तारा हार काबुल जाने से पहले ये पत्रा मेरे जत्रा को देखना पड़ेगा तब चलेंगे जोड़ी ये पत्रे वाली बात जब कहीं हम जाते हैं तो पत्रा को बात करते हैं आप जोड़ी क्या देखकर बताएगी बताइए पत्रा के बात नहीं है जोड़ी हकीकत कहानी हकीकत बात है अरे सुनी सुनी जोड़िए आप चलिया तो निहामा अरे चौथे को सलाम जोड़ी अक्का पुल पर चलेगा अरे चौथे ही को सलाम को सलाम जोड़ी चौथे को काबुल में मुसलमानों की बस्ती है जोड़ी अरे चौथे ही को सर मुसलमान जोड़ी बतिया के मानी हमारे भैया देहिया जोड़ी खनवा के चले बाबा छा घर में मानी हमारे चल जाइए बाकी धर्म वाला बाजी तुहार बाजी मजा जोड़ी तू राज बाबू आप ही सोचिए आप राजपूत मैं ब्राह्मण और दोनों जोड़ी जाएंगे काबुल में काबुल के मुसलमान काट काट कर हम दोनों जोड़ी को देव पर फेंक देंगे जोड़ी नशाए का धर्म रहेगा
धर्म ना साथ आएगा। जोड़ी धर्म चलाने के बाद बहुत धर्म मिलेगा, लेकिन धर्म को जाने के बाद धर्म नहीं मिलेगा। जोड़ी अपन से काम कीजिए, धर्म नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जोड़ी, धर्म नहीं मिलेगा। सुनो सुनो धावन हो आप चलिया तनी हमार हल्ले जाना पतिया ये धावन आया जब बंदर लाता हम लोग खतरा पड़ा है, सारा मजा करता है। चलिए छोड़ी कोई अगर लोड को जगह काबू नहीं जाएंगे। अब हम क्या करें, चाचा जी पत्र दे ले किले जा सिपाही इरुदल बाबू का हाथ में दे दी। हाँ इरुदल बाबू का हाथ में हम पत्र दे ले, वहाँ के पत्र पढ़ते ही काबुल जाए से इनकार हो गए बानी। अब हम क्या करें, अगर ये पत्र ले जाके हम चाचा जी के हाथ में दे वहाँ के तो जीते जी मर जाए, लेकिन ना मजबूरन ये पत्र ले जाके हमारा चाचा जी के हाथ में देवे के पड़ी। अच्छा हम चल चले ये राज महोबा है और मैं इस महोबा का बड़ी मार के मेरी नाम सुनवा है। ना कभी समय से घर आते हैं, ना हमसे दो चार दिन बातें करते हैं, ना समय से ना खाना ना सकते। अच्छा मैं चली अपने नॉर्मल को चाहिए प्यारा करने, कभी होंगे देवर जी तो जरूर मिलेगा मुझे। शायद कोई देवर जी के बंगला से आंख में आंसू लिए हुए वापस जा रहे हैं, किसी काम से वो काम नहीं हुआ। हम बातें करूंगे अरे सुना सुनाया हो Oh, my God.
चाची के कहना खबरिया देवर हमारा चाचा जी के कैसन बानी चाचा जी हमार जी आप अपने आंखों में आंसू लिए हुए वापस जा रहे हैं आखिर क्यों? अरे ये चाचा जी दिए थे पत्र कि ले जा हमारे रुदल बाबू का हाथ में दे देना। ये पत्र हम ले जाकर रुदल बाबू का हाथ में दिए वो काबुल जाने से इनकार हो गए हैं। देवर जी ये चाचा जी आपको पत्र दिए हैं और ये पत्र पाकर देवर जी इनकार कर गए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। देवर जी आप थोड़ा आराम कर लीजिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। जरा मैं भी पत्र पढ़कर समझ लूं चाचा जी क्या लिखे हैं। जो भी लिखे होंगे चाचा जी अच्छा ही लिखे होंगे। क्या लिखे हैं? दस्तखत मियां कारोल साहब जी का मेरे बेटे रुदल को मालूम। ये पत्र तुम्हारे पास इसीलिए भेज रहा हूँ बेटा, मैं अपना पोता अजमत अली को निकाह काबुल में तय कर दिया हूँ। अच्छा है। और बारात जाने से मेरा बारह बेटा इनकार कर गया। बस तेरा भरोसा है बेटे, तुम आओगे तो ये बारात लेकर काबुल जाओगे। वाह चाचा जी वाह, कितनी खुशी की बात होगी। अरे मेरी देव जी सच भज कर बनरस जाएंगे और बनरस से चाचा जी के साथ बारात लेकर जब काबुल में पहुंचेंगे साला काबुल वाले तो डर के मारे मर जाएंगे। कितनी खुशी की बात होगी। देव जी अच्छा यार मैं भी चलती हूँ देवर जी के बोल। गोरी वही आएगा लौट कर जाएगा अभी काबुल नहीं जाएंगे। चलिए आराम किया जाए आराम किया जाए। चलिए अच्छा देवर जी को बांगना तो एकदम सुना साना लग रहा है। ऐसा लगता है कि इस बंगले में कोई है ही नहीं। अच्छा आगे बढ़ते देखते हैं। भाभी हो अब दुनिया पे हमार अब ये लाके मेरी अरे भौजी तोरा के बिरान कई बार हम मने कर दिए हैं कि भाभी बंगला पर मत आया करो, यहाँ सब बहादुर रहा करते हैं, बहादुरों को बस की है, लेकिन मेरे बात को नहीं मान मान कर बंगला पर आ जाती हो। अगर कोई भी काम है तो स्वयं लौड़ी का भेजा करो, लेकिन क्यों बात ए देवर जी तिवारी बाबा देवर जी बोलते हैं कि कोई काम हो तो स्वयं लौड़ी को भेजा करो। ए देवर जी महल रनिवास की हर काम